उत्तर प्रदेश के अमेठी में लॉ एंड ऑर्डर ध्वस्त होकर रह गया। यहां गौरीगंज मुख्यालय पर डीएम बंगले के सामने की बिल्डिंग में मां बेटे की निर्मम हत्या कर दी गई। काबिले गौर बात यह है कि जिस मकान में घटना को अंजाम दिया गया, इससे पीछे की साइड एसपी ऑफिस की दीवार सटी हुई है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि आखिर जब पॉश एरिया में रह रहे लोग असुरक्षित हैं, तो आम जनता की सुरक्षा व्यवस्था क्या है, सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है। जानकारी के मुताबिक गौरीगंज कोतवाली क्षेत्र में एसपी ऑफिस के सामने वार्ड नंबर 22 निवासी सुशीला त्रिपाठी, उम्र 65 वर्ष, पत्नी स्वर्गीय मुकुंद नारायण तिवारी व उनके बेटे राजीव उर्फ राजू तिवारी उम्र 28 वर्ष का संदिग्ध अवस्था में बंद कमरे में शव मिला। एसपी ऑफिस की सटी दीवार के मकान में दोनों का शव मिलने से हड़कंप मच गया। पुलिस के हाथ पांव इसलिए भी फूले कि जिले में सांसद और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी स्वयं मौजूद हैं और कल यहां केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी व डिप्टी सीएम केशव मौर्य का कार्यक्रम है। ऐसे में बड़ी संख्या में पुलिस और स्थानीय लोग मौके पर पहुंच गए। स्थानीय लोग हत्या की आशंका जता रहे हैं। सूचना पर पहुंची पुलिस व फॉरेंसिक टीम जांच में जुटी हुई है और अब दोनों शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। एसपी दिनेश सिंह का कहना है कि इसी घर में ऊपर एलआईयू का ऑफिस है, नीचे आज दिन भर जब कमरा नहीं खुला तो पुलिस को सूचना हुई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर ताला तोड़ा तो लाश जमीन पर पड़ी हुई थी। 3 डॉक्टरों का पैनल जांच कर रहा है, जल्द ही खुलासा किया जाएगा। भैया, संदिग्ध परिस्थितियों में 200 मिले हैं, तो क्या है पूरा मामला, कैसे हुई है? यहाँ पर श्री राजीव और उनकी माता जी सुशीला जी निवास करते थे। ऊपर यहाँ एएसआईओ का कार्यालय है। आज दिन में ये जब घर नहीं खुला तो शाम को ये सूचना हमारे थाने को दी गई, तो पुलिस यहाँ आकर के इसने ग्रिल तोड़ करके अंदर देखा तो 2 शव थे। घटनास्थल निरीक्षण कर लिया है मैंने। इनका पोस्टमार्टम 3 डॉक्टरों के पैनल से वीडियोग्राफी में कराया जाएगा। साक्ष्य संकलन की प्रक्रिया जारी है। तथ्यों का अनावरण यथाशीघ्र किया जाएगा। मृतक की कितनी उम्र रही होगी? मृतक की उम्र करीब 28 से 30 साल बताई जाती है और माता जी की बीच देखते हैं विवेचना में 60 से ऊपर।